पास्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पास्ता लिया है जो स्पिन शेप में है, एंड थोड़ा सा ग्रीन पीच यूज कर रही हूँ मैं, फ्रेश वाला। इसे मैं वाटर बॉयल होने के लिए रख दिया है, उसमें ऐड कर रही हूँ। इसे अच्छे से बॉयल करना है, अच्छे से आपको सॉफ्ट होने तक पका लेना है। इसमें थोड़ा ऑयल ऐड कर रही हूँ जिससे ये चिपके ना, एंड थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे 15-20 मिनट्स हो चुके हैं, पास्ता अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, बॉयल हो गया है। तो मैं उसे स्ट्रेनर की हेल्प से स्ट्रेन कर लेती हूँ, एंड इसे मैं कोल्ड वाटर की हेल्प से थोड़ा वॉश करूँगी जिससे कि एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं। यहाँ पे आप कोल्ड वाटर से अगर वॉश करते हो तो एक दूसरे से ये चिपकते नहीं हैं। एंड इसे थोड़ी देर के लिए 5 मिनट्स तक मैं ऐसे ही रख दूँगी जिससे कि जो भी इसमें वाटर है वो सब अच्छे से निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन को हीट होने के लिए रख दिया, उसमें ऐड किया है मैंने बटर। आप बटर की जगह ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ बटर में बना रही हूँ क्योंकि बटर में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए मैं बटर यूज कर रही हूँ। एंड इसमें थोड़ा सा मैं राई, सरसों का जो दाना होता है वो ऐड कर रही हूँ, मस्टर्ड सीड। मैं इसमें अनियन ऐड कर रही हूँ जिसे चॉप करके रखा था मैंने। आप इसमें गार्लिक जिंजर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको उसका टेस्ट अच्छा लगता हो, मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैंने वो ऐड नहीं किया है। मैं एक सिंपल सा ही पास्ता बना रही हूँ इसलिए, एंड इसे अभी हमें ब्राउन कलर होने तक अच्छे से पका लेना है। एंड आप इसमें रेड चिल्ली एंड गार्लिक का पेस्ट बनाकर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको हॉट स्पाइसी खाना पसंद है तो। तो अनियन अच्छे से फ्राई हो चुका है, मैंने ऐड कर दिया है इसमें टमाटो एंड ग्रीन चिल्ली जो मैंने चॉप करके रखा था उसको, एंड थोड़ा सा मैं ऐड करूँगी इसमें सॉल्ट जिससे कि टमाटो थोड़ा गलने में टाइम लेते हैं, जल्दी से गल जाएँ इसलिए। एंड इसे हमें अभी 2-3 मिनट्स तक अच्छे से पकने देना है। तो यहाँ पे टमाटो एंड अनियन अच्छे से भुन चुके हैं, मैं इसमें जो स्पाइसेस यूज कर रही हूँ वो ऐड कर दूँगी। मैं यहाँ पे ज़्यादा हॉट नहीं बना रही हूँ क्योंकि दिशान भी खाएगा हमारे साथ में, इसलिए ज़्यादा तीखा नहीं बना रही। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 स्पून रेड चिल्ली पाउडर, यही ऐड किया है मैंने स्पाइसेस में। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोरिएंडर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सबको मैंने स्किप कर दिया है, मैं एक नॉर्मल बनाऊंगी, इससे ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी क्योंकि दिशान भी खाएगा इसलिए। तो अभी इन सबको अच्छे से कर लेती हूँ मिक्स, एंड इसमें पास्ता ऐड कर दूँगी फिर मैं। तो अभी मसाले अच्छे से भुन चुके हैं हमारे, मैंने इसमें ऐड कर दिया है पास्ता इसे बॉईल करके रखा था। आप चाहें अगर आपको जल्दी में बनाना हो तो आप नाइट टाइम में बॉईल करके रख सकते हैं फ्रिज में इसे, एंड मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आप जल्दी से रेडी कर लेंगे अगर आप ऐसे करते हैं तो। अभी मैंने इसमें थोड़ा सा कट किया है कोरिएंडर लीव्स को, वो ऐड किया है, एंड थोड़ा सॉल्ट ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं, एंड मैं थोड़ा सा पास्ता निकाल लूँगी इसमें से अपने लिए, मुझे सॉस के साथ अच्छा नहीं लगता है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए निकाल लिया है, एंड दिशान के लिए एंड अपने अपी के लिए मैं यहाँ पे सॉस के साथ बना रही हूँ। तो इसमें टमाटो केचप ऐड कर देती हूँ मैं, अगर आप चाहें तो इसे जब आप अनियन एंड टमाटो का पेस्ट बनाएं तो उसमें ही मिक्स करके आप बाद में इसमें पास्ता ऐड कर सकते हैं, तब भी सेम टेस्ट ही आएगा। मैंने अपने लिए निकाला है इसलिए मैं बाद में ऐड कर रही हूँ सॉस, क्योंकि पहले कर देती तो फिर सारा ही मीठा हो जाता ये, एंड ये काफ़ी यम्मी लगते हैं खाने में पास्ता सॉस के साथ में। आपको हॉट रेड चिल्ली सॉस आता है वो पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें, एंड आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कैप्सिकम एंड कोई भी जो आपको वेजिटेबल्स अच्छे लगते हो वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, सॉस के साथ इसका कलर ही चेंज हो गया है।
एंड अच्छे से पक भी चुका है, खाने में भी बहुत टेस्टी बना था पास्ता। तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपका पास्ता काफ़ी यम्मी एंड टेस्टी बनेगा, तो आप ऐसे ट्राई कर सकते हैं इसे। दिशान को काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, तो कभी कभी मैं मंथली 2 टाइम्स बना लेती हूँ पास्ता। एंड मैंने इसमें थोड़ा सा और गार्निश करने के लिए कोरिएंडर लीव्स को ही कट करके ऐड किया है, जिससे कि इसका लुक और भी अच्छा लगे देखने में। तो यहाँ पे पास्ता बन के रेडी हो चुका है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे सर्व करने के लिए पास्ता को प्लेट्स में निकाल लिया है। ये है रेड सॉस पास्ता, जो कि दिशान और मेरे हब्बी के लिए है, एंड ये है मेरे लिए। काफ़ी यम्मी एंड टेस्टी बना था पास्ता। आप ऐसे ट्राई करेंगे, बटर में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा पास्ता का। सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स नहीं थे, फिनिश हो गए थे, इसलिए हम लोग कल थर्सडे को ही ले आए थे मार्केट से। यही सब लेने के लिए गए थे लूलू वाल बंदर, क्योंकि बाउसर वाले लूलू जाते तो उसमें काफ़ी हमें रस मिलता, जिसकी वजह से अच्छे से नहीं मिलते फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। एंड लूलू वाल बंदर काफ़ी बड़ा है एंड ब्यूटीफुल लुक आता है इसका देखने में। ये मवेला साइड में है, बिल्कुल अलग जगह में जाके ही इसको बनाया है। एंड क्लाउडी वेदर भी हो रहा था, मून भी दिख रहा था अप साइड में, काफ़ी कूल वेदर हो रहा था, रेन भी हो रही थी कभी कभी थोड़ी थोड़ी। एंड आप इन्जॉय कीजिए मेरे वीडियो को। ओके रखो, ओके। ठीक है, कीप इन सेट। और ये ले लिया, ले लिया। हाँ, कीप इन सेट। पापा डाला फोन। ज़्यादा ले लिया पापा। रखो रखो। तो अभी मार्केट से वेजेस एंड फ्रूट्स ले लिए हैं हमने। एंड इस वे में एयरपोर्ट पड़ता है, तो हम एयरपोर्ट साइड से निकलते हुए जाएंगे। तो ये एयरपोर्ट का डिपार्चर वे है। हम लोग एयरपोर्ट के पास आ चुके हैं। दिशान को फ्लाइट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं देखने में टेक ऑफ करते हुए, तो इसलिए हम एयरपोर्ट साइड से निकलते हुए घर जाएंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट का डिपार्चर एरिया है, मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड 20 मार्च 2019 को ये ओपन हुआ था, न्यू बना है ये पूरा। पहले ओल्ड वाला था वो यूज होता था, बट अब नहीं होता है, उधर कोई फ्लाइट्स नहीं जाते, सारे फ्लाइट्स यहीं से जाते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल।
तो यहाँ पे आप 10 मिनट से ज़्यादा कार को पार्क करके नहीं रख सकते हैं। इस साइड में पार्क करके आना पड़ेगा आपको। पार्किंग है काफ़ी बड़ी एयरपोर्ट की, वहाँ अपनी कार को अगर आपको ज़्यादा 10 मिनट से ज़्यादा यहाँ रुकना है तो। बस हम लोग यहाँ से निकलते हुए ही चले गए थे तो 10 मिनट्स नहीं हुए थे, नहीं तो इसके बाद फाइन है अगर आपको ज़्यादा टाइम हो जाए तो। इसमें 4 गेट्स हैं एयरपोर्ट के, ABCD, यही हैं सारे डिपार्चर गेट। यहीं से एंट्री करते हैं जब भी इंडिया जाना होता है हमको भी, या कोई भी कहीं भी जा रहा है वो सब यहीं से एंट्री करते हैं डिपार्चर के लिए। एंड काफ़ी न्यू बना है, न्यूली ओपन हुआ है तो बहुत ही ब्यूटीफुल है इनसाइड से भी एयरपोर्ट ये। तो बस अब हम जा रहे हैं घर के लिए वापस। एयरपोर्ट से निकल आए हैं, ये जो आपको लाइट्स जितने भी दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में वो सारे पार्किंग एरिया है एयरपोर्ट का, बहुत बड़ा पार्किंग एरिया है एंड लाइट्स भी बहुत सारे लगे हुए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है ये पूरा एरिया। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।